पिछले चुनाव में, उससे देखा जाए तो लगभग 100 सीटें कम पड़ रही हैं सर्वे एजेंसीज की। तो क्या लगता है सर्विस को लेकर के हमारे जो विश्लेषक यहाँ कह रहे हैं और हम जो आंकड़े रख रहे हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां आप देख रहे हैं, क्या सर्विस पर विश्वास किया जाए? अखिलेश जी, देखिए प्रेम कुमार जी, किसी चीज की घोषणा करना भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए, सर्वे केवल एक टूल है, टूल्स एंड टेक्निक, और भी मेथड होते हैं। मैं सर्वे की बात करता हूं, सब लोगों ने मेहनत की है, मैं किसी के सर्वे पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा। सर्वे जब होते हैं तो उसमें दो चीजों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, टूल्स टेक्निक्स क्या थे, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है डेविएशन की। ये चारों चीजें किसी ने नहीं डिक्लेयर की होगी, अपनी मेथडोलॉजी उसमें कोई डिक्लेयर नहीं करता है, रीजन क्या है। देखिए हम दूसरे तरीके पे आते हैं, तब तो पोल पट्टी खुल जाएगी अगर सब मेथडोलॉजी, बात दूसरी है। मैं प्रेम कुमार जी, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, बधाई भी कि आपने ये नया चैनल बहुत अच्छा शुरू किया है। किसी एक दिन दो घंटे की चर्चा आप केवल सर्वे पे करिए कि टूल्स एंड टेक्निक क्या होते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ, मेरे नॉलेज में जो सबसे बड़ा सैंपल साइज आया है पिछले साल, मतलब 2014 से सर्वे का, वो शायद 1,00,000 सैंपल आया था। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 14-15 करोड़ वोटर है, 14-15 करोड़ वोटर में 1,00,000 का सैंपल साइज अगर देखा जाए तो बहुत कम होता है, 0.000 उसके बाद जाता है, तो मतलब वो बहुत बहुत छोटा होता है। वो इसीलिए सर्वे कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार सही भी हो गए, कौन किससे टकरा गया, या तो लार्ज स्केल पे किया जाए। अखिलेश जी कहा तो ये जाता है कि आप चावल का एक दाना दबा लेते हैं और समझ जाते हैं कि चावल सीझा है कि नहीं सीझा, फिर तो 1,00,000। इसका जवाब है प्रेम कुमार जी, केवल चावल हो तो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पचमेर खिचड़ी है जिसमें बाजरा भी है, मक्का भी है, जो भारत की राजनीति है, इतनी जाति पाति, हर लोगों की अपनी जो डाइवर्सिटी है वोटर्स की, वो उसमें चावल भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है। तो चावल देख लिया तो चावल तो पक गया, बाजरा मक्का जो ये वाला पका है कि नहीं पका है ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप किसी एक कास्ट विशेष, अब जैसे सपा के जो कैडर बेस है, आप सपा नहीं बसपा के आप चले जाइए, तो उनके हिसाब से तो सपा की 100% सरकार बनेगी। आप 2,00,000 सपा के बसपा के कैडर को आप देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, उस पे करेंगे। तो आप चावल, बाजरा, जौ, मक्का सब देखिए। दूसरा प्रिडिक्शन का जो तरीका होता है ना, वो होता है एक्चुअल जो घटनाएं हो रही हैं उनकी एनालिसिस करना, रियल टाइम की एनालिसिस करना, और दो चार जो पक्ष है, पार्टियां हैं, उनके जो है बलाबल का जो है थाहा लेना, कौन कितना स्ट्रांग है। देखिए हम दूसरे से हम एनालिसिस करते हैं, है क्या, हर बार परिस्थितियां बदल जाती हैं, चुनौतियां बदल जाती हैं, इसलिए रणनीति और मुद्दे भी बदल जाते हैं। ये सारी पार्टियों पे लागू होती है, बीजेपी के लिए भी चुनौतियां बदल गई हैं, पहले कुछ और थी। सवाल ये होता है चुनौतियों को, चैलेंज को मैनेज करने की कैपेसिटी किसके पास है, दल बल किसके पास है, संसाधन किसके पास है, उनके फेवर में प्रोबेबिलिटी ज्यादा चली जाती है। मैं बोलता हूँ आप बहुत टैलेंटेड है, आपके पास कलम नहीं है लिखने के लिए, तो परीक्षा में आप जीरो जी, ये दर्शकों, अखिलेश जी आप बड़ा क्लासिक ढंग से बातों को रख रहे हैं, हमारे दर्शक तो थोड़ा बोलचाल की भाषा में बताइए ना। हाँ, सर्वे बोलचाल की भाषा में ये है, मैं बोलता हूँ कि ठीक है भीड़ बसपा या इसके साथ दूसरों के साथ हमें दिख रही है, सवाल ये उठता है इनमें कितने लोगों के पास बूथ मैनेजर और पन्ना प्रमुख या एक एक गांव को मैनेज करने वाले लोग हैं। जितना सक्षम बीजेपी है, ये बीजेपी का प्लस पॉइंट है, इन्होंने अपने आप को बड़ा मजबूत किया, हर गांव में हर बूथ में इनके डेडिकेटेड कार्यकर्ता पड़े हैं, ये अपने एक एक वोटर को निकाल करके पहुंचा देंगे। दूसरी पार्टियों का ये मुगालता है कि भाई हमारा कैडर बेस है, हवा हमारे उस पे चल रही है, मीडिया में ये हो तो बोलते हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है वो कौन कर रहा है, वोटरों को निकाल के अपने फेवर में करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा सक्षम वाली जो पार्टी है निर्विवाद रूप से वो बीजेपी है, उनके पास कार्यकर्ता भरे पड़े हैं, गली मोहल्ले में भरे पड़े हुए हैं, कन्विंसिंग करना वन टू वन। डिजिटल आपको रोकना चाहूंगा, अब पहले दौर के डिबेट में, इससे पहले कि मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास, यादव जी ने मेरा नाम लेके एक चीज बोल दिया, वो मेरी दूसरी बात को नहीं सुने। समाजवादी पार्टी ना सपने बहुत देखती है, अभी श्री कृष्ण भगवान भी सपने में आए तो ये सपने बहुत देखते हैं। मैंने एक उदाहरण और दिया था, सैंपल साइज एक टेक्निकल टर्म है जो मैंने यूज किया। अरे इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, सपने देखने में क्या बुराई है, आप देखिए बोल लेने, आप मुझे करने दे। मैंने बोला था कि सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए सर्वे के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूं, अभी नहीं बोलूंगा। इसी तरीके से एक जो है सीट का इन्होंने एग्जाम्पल देके हार या जीत के बेसिस पे
पूरे देश में समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे उस चीज को भी सुनिए, सैंपल साइज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो अरिथमेटिक और नहीं, हमने नहीं कहा कैलकुलेशन है। मैं एक सीट को लेके पूरे देश का या प्रदेश का परसेप्शन कैसे बनाया जा सकता है सर? एक सीट के हर चीज से आप बोल देंगे कि उन्हीं की सरकार बन रही है या हार रही है या जीत रही है? सैंपल साइज डज मैटर, ये टेक्निकल चीज है, अगर कोई बात करना चाहे कर ले, नहीं तो बोल दे समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले आप उसी सैंपल साइज के हवाले से कह रहे थे कि वो सैंपल साइज पर्याप्त नहीं होते, वो खिचड़ी जिसमें तरह तरह के तत्व होते हैं। वो सर मैंने अभी भी प्रेम जी आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने यही बोला, यादव जी ने ये बोला कि एक एक सीट को लेकर परसेप्शन ये बना रहे हैं, एक सीट का सैंपल साइज बहुत कम होता है, परसेप्शन पूरे नेशनल लेवल पे नहीं बनाना चाहिए। हाँ रुक जाइए अखिलेश जी, आपकी बात आ गई, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, हो सकता है मैं नहीं समझ रहा, लेकिन दर्शक समझदार हैं, वो समझ रहे होंगे आपकी भी बात को, मेरी भी बात को। ये हम आपकी बात आप नहीं क्या कर रहे बोलना चाहते हैं, आप अखिलेश मिश्रा के बारे में आप थोड़ा धैर्य रखिए, अखिलेश जी आपके बारे में ये बोलना चाहते हैं, आपको तुरंत मिलेगा सर, क्या अगर आपको टेक्निकल डिफिनेशन नहीं पता है तो जिसको जिसको डिबेट में, नहीं 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 हमें पता है समाजवादियों का मतलब है मसीह, सुनो सुनो मेरी बात सुनो पहले, अगर मसीह कागज छुयो नहीं, सुना है आपने, हो गया अब सुना है आपने, बता दीजिए, आप उसको अपने दिमाग में रखिए, छुए ना छुए। देखिए मैं प्रेम जी निवेदन करूंगा, मैं गोदी मीडिया के चैनल पर डिबेट करने नहीं जाता कभी, और ना इस तरह की बहस की डिबेट करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, मुझे मालूम है कि अपनी बात रखने का सबको कोई किसी तरीके आप मीडिया का बाइकॉट करके बैठे थे, थूक के चाट रहे हैं, बुला लिया आपने, कौन है भाई मनोज जी, आप अपनी बात तो रखिए, बोलने दिया जाए नहीं तो बात हो नहीं पाएगी। देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं जिस पार्टी के पास सारे कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रभारी हैं, तो वो एक इतने बड़े अंतर से हारती क्यों है? ये मैंने कोई नैरेटिव नहीं चेंज किया कि समाजवादी पार्टी एक पूरे देश में जीतने जा रही है, इस बात से कोई मेरा लेना देना नहीं दूसरे, नहीं मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये सर्वे के लोग समाजवादी पार्टी को 47 सीट से 145 तक ले जा रहे हैं, 50 तक, 165 तक ले जा रहे हैं, तो क्यों ले जा रहे हो? एक कारण, और अगर बीजेपी की 325 सीटों को गिरा के 233-245 तक आप जो एक एवरेज ला रहे हो, तो वहां तक ला क्यों रहे हो? दूसरी बात, इस पे तो चर्चा करनी चाहिए ना, वो कौन से रीजंस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारण है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, तो गिर के बहुमत के पास क्यों आके रुक रहा है? समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो वो बढ़ के बहुमत से पहले क्यों रुक जा रहा है? इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए, इनको अपना पैकेट भी बताना चाहिए, इनके अपने साइज में डिस्कशन होने चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, ये सर्वे वाले आपको, अरे हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? आप बीजेपी के प्रवक्ता है? यू आर स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी, आप प्रवक्ता है क्या? अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? जिसको सैंपल साइज का मतलब नहीं पता, आपको क्यों प्रॉब्लम है इससे? आपको क्यों प्रॉब्लम है? शायद आपको डिबेट में समझ आ जाए, कुछ सीख के आप जाए कि सैंपल साइज, नहीं नहीं हमें आपसे नहीं समझना है, ये देश को समझाते समझाते कहाँ तक लेके चले गए? आप चुनाव हार जाएंगे, कहाँ तक लेके गए? तो चुनाव हार जाएंगे, नहीं नहीं हमें चुनाव हारने जीतने में बताओ, आप चाणक्य को समझाओ, आप नहीं नहीं आप चाणक्य जी को समझाइए, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने इसलिए उनको समझाइए। जो स्थिति है उसमें वहां भी बीजेपी लॉस में चल रही है, और पश्चिम में तो इतना बड़ा लॉस होगा कि उसकी उसकी भरपाई ही संभव नहीं है, ये इनका मानना है, आप क्या मान रहे हैं अखिलेश जी? देखिए प्रेम जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, हर चुनाव में चुनौतियां अलग होती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्वयं भाजपा का ही परफॉर्मेंस है, कि पास्ट की परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, समीकरण बदल गए हैं। मैंने शुरू में आपको ये बोला था कि जो सर्वे पोल वगैरह आ रहे हैं, सर्वे करने के कई मेथड होते हैं, ये जो आ रहे हैं ये वोटर्स ओपिनियन मेथड है, कभी टाइम मिले तो रियल टाइम कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी जो एक मेथड होता है उससे एनालिसिस करिए, सर्वे करने के कई मेथड होते हैं, ये जो आ रहे हैं ये वोटर्स ओपिनियन मेथड है, कभी टाइम मिले तो रियल टाइम कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी जो एक मेथड होता है उससे एनालिसिस करिए, तो ज्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल करके सामने आएगा, जो मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन परिस्थितियां बीजेपी के नहीं, अभी आप उसको रहने दीजिए, वो काफी लंबा मुद्दा हो जाएगा, आप क्लासिकल मूड में हमें जाना पड़ेगा। चुनौतियां बीजेपी के लिए जितना, देखिए विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है,
चाहे सपा हो बसपा हो कोई भी हो। ऋषि मिश्रा जी जो बोल रहे थे बाईपोलर, सपा बसपा चाहेंगे कि बाईपोलर हो, भाई बसपा चाहेगी बसपा वर्सेस बीजेपी हो, सपा चाहेगी सपा वर्सेस बीजेपी हो, जो कि सपा कर रही है इस वक्त। बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि ये मल्टीपोलर, ये कौन बोल रहा है बीच में, बस एक शब्द उन्होंने कहा जनता जो चाहती है वही होता है किसी के चाहने नहीं, वो तो अल्टीमेट है ठीक है। बीजेपी ये चाहेगी कि ये मल्टीपोलर हो, क्योंकि जितना मल्टीपोलर होगा उसमें बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा। वोट बैंक वगैरह की जो चीजें हैं सबके अपने अपने यूएसपीज हैं, लेकिन हाँ नुकसान के जो इसमें चांसेस है बीजेपी को यही चुनौती है कि अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को मेंटेन कैसे रखे। अखिलेश मिश्रा जी वो जमाना गया जबकि मल्टी कॉर्नर में बीजेपी को फायदा होता था। अभी तो चंद्रशेखर रावण को भेज दिया गया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में कि ताकि योगी चुनाव जीत। नहीं नहीं आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं ना कि दो पार्टियों से ज्यादा भी प्लेयर हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, ये मानते हैं कि नहीं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे ही क्यों ना करें। तो बस वही मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने मान लिया। मैं कह रहा हूँ वो कांग्रेस जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले वो दौर कांग्रेस का था, वो कांग्रेस का था जब कांग्रेस को हटाना है तो सारे एक हो जाओ। यहाँ पर भाजपा के सामने जितने ज्यादा कोण होंगे भाजपा को उतना नुकसान होगा। कई राज्यों की ऐसी मिसाल है यादव जी, इस चुनाव में कोई नया नहीं होने वाला है जो पहले चुनाव में नहीं हुआ है। कभी न कभी इस तरह की परिस्थिति पिछले चुनाव में भी बनी हुई है 70 साल के इतिहास में। बड़ा लिमिटेड हम लोगों का जो चुनाव का सर्किल है ना उसकी जो त्रिज्या है ना वो बहुत छोटी होती है, घूम फिर करके पेरिफेरी में तो हम वही तुरंत पहुंच जाते हैं।